गुड मॉर्निंग गाइस, दिस रजा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। और अभी टाइम हो रहा है 9:10 या 10:09, जो भी कहें। आज लेट हो गया थोड़ा सा, अभी वीडियो एडिट करके जस्ट अभी अपलोड किया है हमने। अब वही चेक कर रहे थे कि ठीक ठाक वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। आज है सैटरडे 24 अगस्त और हम अभी जा रहे हैं जिम। थोड़ा लेट हो गया, वैसे 6:30, 7 बजे तक हम जिम चले जाते हैं रोज़। और सुबह अभी शुरू हुई नहीं, रोड पर चहल पहल होने लगती है तो बड़ा अजीब लगता है। सन्नाटी जगह यहाँ मिलते नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अगर इस यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते हमने कुछ सीखा है कि इंसान को सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, खुशी उसको मिलना चाहिए जो काम कर रहा है। मतलब एक इंसान जो होता है वो डबल बेड के जो करलॉन गद्दे होते हैं उस पर सोने में उसको खुशी मिलती है, और दूसरा इंसान होता है जो गाँव की चरपाई पर खुशी मिलती है। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान को खुशी देखना चाहिए अपनी हर चीज़ के ऊपर। शायद आप समझे नहीं हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने दोनों कैमरे से रिकॉर्डिंग करके अच्छे से देख लिया, मतलब व्लॉगिंग और कंपेयरिंग करके कैनन 80D और SJ कैम, तो दोनों की क्वालिटी में तो भले ही फ़र्क है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द कंफर्टेबिलिटी तो मेरा ये वाला कैमरा बहुत अच्छा है। इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है, विंड कटर काफ़ी अच्छा है, और नॉइज़ कैंसिलेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कल की वीडियो से आपको भी अंदाज़ा मिल गया होगा कि छोटा वाला कैमरा की आवाज़ क्वालिटी कितनी अच्छी है, और बड़े वाले कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन रोड पर इतने ज़्यादा शोर होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कैच हो जाती हैं और वीडियो मेरी हो जाती है ख़राब, और बहुत गुस्सा आता है एडिट करते टाइम कि क्या वीडियो बन गई। अब से अब ज़्यादातर ये वाला कैमरा यूज़ करेंगे क्योंकि यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है और आवाज़ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो अभी चलते हैं जिम, जिम के बाद देखते हैं आज कैसा दिन जाता है। सैटरडे है, कुछ प्लान करते हैं आज के दिन क्या करेंगे। अगर आज जन्माष्टमी भी है तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, और आई होप ये दिन आपका अच्छा जाए और चीज़ें सब अच्छी तरह से निपट जाएँ। क्या बोलते हैं, और दही हांडी वाला जो त्यौहार है वो भी लगता है आसपास है, गणेश चतुर्थी भी आसपास है, तो सारे त्यौहार जो है लाइन में लगे हुए हैं। ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, एक व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा व्लॉग शुरू। काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में हमको, इसीलिए हम बनाते हैं बिना थके बिना हिचकिचाए। तो अभी हम वीडियो बस देख रहे थे, अपनी चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वीडियो में, तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। और मुंबई की भिवंडी इलाके से एक और खबर आ रही है कि वहाँ पर एक 4-मंजिला बिल्डिंग जो गिर गई है। तो भिवंडी जो इलाका है वो भी पुराना एरिया है मुंबई का, वहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें हैं बहुत सारी, और पता नहीं BMC क्यों नहीं देखती है और सर्वे करना चाहिए उनको, ठीक से सर्वे करना चाहिए जहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें हैं उसको तोड़ कर नया करें या फिर रिपेयर करें उसको, वरना ऐसे हादसे तो रोज़ होते ही रहेंगे। जिम वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, 800 रुपये हमसे ले रहे हैं एक सिंगल आदमी से, और कपल का दे रहे हैं 1000 रुपये। ये कौन सी बात होती है। जिम विल बी रिमेनिंग क्लोज इन द इवनिंग ऑन अकाउंट ऑफ जन्माष्टमी। ऑन 24th of August सैटरडे विल बी वर्किंग ओनली इन द, मतलब 6 बजे से 1 बजे तक आज सुबह ही सिर्फ जिम है। अच्छा वो हम आज आ गए, वैसे हम शाम सुबह दोनों आते हैं, और पता नहीं था कि ये न्यूज़ भी है। सुबह के टाइम है मतलब जिम में भीड़ बहुत होगी, चप्पल से पता चल जाता है कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए हैं, तो हम चप्पल देख लेते हैं, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम वापस जाएंगे वरना जिम करेंगे। द नेक्स्ट डे घड़ी देने से क्या होता है कि टाइम दे देता है आदमी, ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं, ज़्यादातर लोग घड़ी नहीं देते हैं, टाइम दे देता है मतलब अपना वक्त जो होता है उसको सामने वाले को दे देता है, मतलब अगर अपना अच्छा वक्त हो ख़राब वक्त हो तो सामने वाले के ऊपर वो चीज़ चली जाती है। ऐसा लोग मानते हैं, मतलब कुछ लोग मानते हैं ऐसा। वैसे अभी शाम का टाइम है, संडे का दिन है, और हम जा रहे हैं अभी अपने दोस्त, एक दोस्त है उसका बर्थडे है और 8 बजे बर्थडे है, अभी चल कर देखते हैं क्या वहाँ पर इंतज़ाम है। और अभी हम हैं अपने एक फ्रेंड के साथ, तो चल कर देखते हैं कि कैसा बर्थडे होता है। और आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया भागम दौड़ी में। म्यूज़िक बहुत तेज़ बज रहा है, पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं। यहाँ पर बर्थडे पार्टी हो रही है और
काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है और अटेंड करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर, मिलते हैं थोड़ी देर में केक वेक खा के। खाने का भी इंतज़ाम है अमीर पार्टी का। बड़े टाइम के बाद इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी में अटेंड करने का मौका मिला, मतलब पेट पूरा एकदम फुल है। और अब हम जाएंगे सीधे घर, सो जाएंगे और मिलेंगे कल दिन में। कल दिन में कुछ काम है हमको, कुछ शॉर्ट फिल्म में काम करना। एक्चुअली कल भी काम था, कल पूरा दिन हमने शॉर्ट फिल्म बनाया, तो कल पूरा दिन की वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए और रात में इतना थक गए कि आके सो गए। आज का दिन भी पूरा ऐसा ही बीत गया। शॉर्ट फिल्म बेसिकली 3 दिन का था, लेकिन उसको 2 दिन में किसी तरह रैपअप करना था, तो किसी तरह हम लोग ने शूट किया। और कुछ देर पहले पता चला कि एक दोस्त के बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पर अभी अटेंड करके जा रहे घर। नींद बहुत ज़ोर से आ रही है, पेट बिल्कुल फुल है, खाना इतना टेस्टी था कि मज़ा आ गया। तो सूरज अगर वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग, बिकॉज बहुत टाइम हो गया अच्छा खाना खाए। यहाँ रहते रहते वही थाली ढाबा यही चलता रहता है, खिचड़ी ज़्यादा से ज़्यादा। तो नींद बहुत ज़ोर से आ रही है, हम जाते हैं अपने घर। और कुछ और बात भी करनी है, कल का दिन भी जाने वाला है पूरा शूट करते हुए, तो मिलेंगे कल शाम में। और अभी हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। तो सी यू टुमारो, एक ही व्लॉग रहेगा, 2-3 दिन का मिला जुला, तो देख लेना जैसा भी बना होगा। तो कल मिलते हैं कल, अभी के लिए गुड नाइट, अच्छे से सोना, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जिस इंसान ने भी ये बात बोली है ना कि लाइफ इज़ लाइक अ ट्रेन या क्या रेलगाड़ी, उसने बिल्कुल गलत बात बोली, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट एज स्मूथ एज रेलवे ट्रैक। मेरे ख्याल से हम जिंदगी को बस की तरह देख सकते हैं। ऐसी बस होती है जो हर ट्रेन पर, हर ज़मीन पर चलती है। ऊबड़ खाबड़ रोड मिलती है, स्पीड ब्रेकर भी मिलते हैं, गड्ढे भी मिलते हैं, पानी भी मिलते हैं, और ना जाने कितने चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है। तो बस का एग्जांपल हमने इसलिए दिया क्योंकि हम भी उस बस के पैसेंजर हैं। पैसेंजर क्या कहें कि बस में जो एकदम पीछे वाली सीट होती है, पीछे वाली सीट क्या कहें, जो ऊपर कुछ लोग बैठे रहते हैं एक्स्ट्रा लोग, तो हम भी उस सीट पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको सीट मिलेगी नीचे आगे, जो बिल्कुल अच्छी वाली सीट होती है बस में। तो मतलब हर आदमी का इंतज़ार रहता है उस सीट का। वैसे इस चीज़ का मेरी आज के इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस एक ख्याल आया दिमाग में तो हमने बोल दिया। पहले अभी हमें 2 चीज़ों के बारे में बताना है आपको। पहला, हमने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, 1 हफ्ता हमने उसकी शूटिंग की थी। उसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन 5 मिनट का निकल के आया, तो उसको हमने अच्छा सा वॉइस ओवर बनाकर बना दिया शॉर्ट फिल्म, जो कैट्स ऑफ मुंबई के नाम से है। मच्छर बहुत कट रहा है। कैट्स ऑफ मुंबई के नाम से है। हुक फिल्म नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है, उसने उस फिल्म को लिया है और अपने चैनल पर टेलीकास्ट करने के लिए रख दिया है, मतलब अपलोड हो गया। 25 तारीख को यानी 25 अगस्त को वो वीडियो मेरी हुक फिल्म पर रिलीज़ हो चुकी है 3 बजे दोपहर में। उसका लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी उस वीडियो को देख लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वो वीडियो बनी है और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। करीब 150 व्यू हो गया है 1 दिन में 2 दिन में, तो जाकर देख लो, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना उस वीडियो पर, क्योंकि मेरा नाम जा रहा है, मेरा नाम उस पर है, मेरी आवाज़ है। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगती है, कोई दूसरा इंसान आपकी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना पैसा भी नहीं ले रहा है। एक बार देख लोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और जो चैनल है जिसका उसको भी अच्छा लगेगा। बस ये थी पहली बात। हमने बोला था कि 2 बात बतानी है, लेकिन है 3 बात। तो दूसरी बात मेरी ये है कि आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 5 चीज़ों पर, मतलब दुनिया की। अब बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ बताते हैं ना वो चीज़ पूरी होती ही नहीं कभी, तो इसको बताएंगे नहीं। बस इतना समझ लो काफ़ी अच्छी चीज़ बना रहे हैं और बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत लंबा टाइम लगेगा, करीब 1 हफ्ता लगेगा इसको शूट करने में और उतना ही टाइम लगेगा इसको एडिट करने में, तो काफ़ी टाइम लगेगा इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने में। तो ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात पर ये वाली वीडियो हमारी आज की ख़त्म हो गई, यानी 202 व्लॉग नंबर। चलते चलते ही बात करते हैं। तो तीसरी बात ये है कि हमने कुछ महीने पहले या कहें कई महीने पहले एक वेब सीरीज़ में काम किया था, जिसका नाम था मेरी बेटी की शादी।
और वो जो शॉर्ट फिल्म है वो 22 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है। विजन फ्लिक्स नाम का एक ऐप है, उसको देखने के लिए वो ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है कि उस वीडियो को हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वरना डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को डाल देते। अनफॉर्चुनेटली आपको जाकर देखना पड़ेगा। विजन फ्लिक्स VISION FLIX ये नाम है उस ऐप का। ऐप स्टोर पे मौजूद है, iOS पर भी मौजूद है ये वाला ऐप, तो उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर मेरा छोटा सा रोल है, 2 मिनट का रोल है। और अभी इस वीडियो में हम दिखाएंगे BTS मतलब बिहाइंड द सीन, वो वीडियो का, वो शूट का जब हुआ था। उस टाइम हमने रिकॉर्ड किया था लेकिन अपलोड नहीं किया था। तो अभी इस वीडियो को हम जब बंद करेंगे तो वो वाली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यारी रोड पर हमने वो शूट किया था। तो देख लो कैसी वीडियो है, छोटी सी वीडियो होगी, याद नहीं क्या रिकॉर्ड था, लेकिन अभी एडिट करके हम उस वीडियो को डाल देंगे। तो बस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, आज हम हैं एक जगह पर जहाँ पे शूट होने वाला है। आई एम द एक्टर, और आज हमारा शूट जो है पूरे दिन चलेगा, और आपको दिखाएंगे बिहाइंड द सीन। तो अभी अंदर सारे इंतज़ाम हो रहे हैं, आई एम रेडी। कुर्ता, पठानी कुर्ता और काजल दिख रहा होगा आँख मेरे, तो आई एम रेडी, अंदर चलते हैं। थोड़ी देर में लगता है बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ कब कैसे बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, तेज़ हो रही है बारिश। चलो, मेरे ख्याल से इतनी से थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई थिंक आई एम क्लोजिंग डाउन दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अंजना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी टुमारो, बाय बाय। रात में ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा ग्रीन ग्रीन घास लग रही है।